Hello, my all dear friends. I'm Professor Neeta Gaikwad. Welcome in our free education channel, English Master. Dear friends, आज के हमारे लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा यूजफुल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश का पार्ट 5. इससे पहले हमने 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे सो मस्ट वॉच दैट लेक्चर्स एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स एंड उससे रिलेटेड सेंटेंसेस. जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, द फर्स्ट वर्ड इज LESSON, लेसन, यानी कि कम. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओ एंड ई सम वर्ड्स का ही डिफरेंस है यहाँ पे. सो लेसन, LESSON, लेसन यानी कम. अभी मैं सेंटेंस पढ़ूंगी. यू शुड लेसन योर फिजिकल स्ट्रेन, यानी कि आपको अपने शारीरिक तनाव को कम करना चाहिए. यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वर्ड्स आपको एक जैसे ही दिखेंगे लेकिन उनमें अल्फ़ाबेट का फ़र्क है. यहाँ पे LESSON, लेसन यानी इसका मतलब है कम. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे LESSON, लेसन इसका मतलब है पार्ट, अभ्यास. ही रीड ऑल हिस्ट्री लेसन्स, यानी कि उसने सभी इतिहास के पार्ट पढ़े. तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, तो आपको ये ध्यान में आने चाहिए कि आपसे कोई गलती ना हो जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या फिर इंग्लिश राइटिंग स्किल अगर आपको डेवलप करना है तो यू हैव टू नो दी छोटी छोटी ये जो बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए. अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे LOSE, लूज यानी खोना. अभी देखिए, ही लूजेस मैनी थिंग्स ड्यू टू हिज केयरलेसनेस, वह अपनी लापरवाही के कारण कई चीजें खो देता है. नेक्स्ट देखेंगे LOOSE, लूज यानी ढीला. पहले हमने पढ़ा LOSE, लूज यानी खोना, यहाँ पे है LOOSE, लूज यानी ढीला. द हेयर बैंड हैज बिकम टू लूज, हेयर बैंड बहुत ढीले हो गए हैं. तो ये आपको फर्क समझ में आना चाहिए. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे INCITE, इंसाइट यानी प्रवृत्त करना, उकसाना. जस्ट अ फ्यू वर्ड्स विल इंसाइट हिम इन टू एक्शन, बस कुछ शब्द उसे कार्रवाई में उकसाएंगे. अभी नेक्स्ट देखेंगे INSIGHT, इंसाइट यानी के अंतर्दृष्टि. शी इज अ वुमन ऑफ ग्रेट इंसाइट, वह एक महान अंतर्दृष्टि की महिला है. तो यहाँ पे हमने जो फर्क देखा, द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स इज INCITE, इंसाइट यानी उकसाना प्रवृत्त करना, एंड INSIGHT, इंसाइट इसका मतलब है अंतर्दृष्टि. प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वहाँ पे जो भी अल्फाबेट्स बीच में आ रहे हैं उनके डिफरेंस से पूरे वर्ड का जो मीनिंग है वो बदल जाता है. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे LION, लॉयन. दिस इज द नेम ऑफ द एनिमल, यानी कि शेर. द लॉयन रोड एंग्रीली, यानी कि शेर गुस्से में भड़क उठा. अभी नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, LOIN, इसका प्रोनाउंसिएशन है लॉइन, यानी कि कमर. गर्ड अप योर लॉइंस टू फेस द ग्रेट चैलेंजेस अहेड, यानी कि आगे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी कमर कस ले. कमर कसना यानी कि गर्ड अप योर लॉइंस. ओके फ्रेंड्स, LOIN, लॉइन यानी कि कमर, एंड LION, लॉइन यानी शेर. ये है डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे MAIN, मेन यानी मुख्य, प्रमुख. द मेन थिंग इज टू स्टे काम, मुख्य बात शांत रहना है. MANE, अभी ये जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है MANE, मेन, अभी इसका जो मीनिंग है पूरा बदल जाता है. इसका मीनिंग है अयाल. द हॉर्स हैड अ ब्लैक ग्लॉसी मेन, यानी कि घोड़े की गर्दन पर काले चमकदार लंबे बाल थे. मेन, MANE, मेन यानी कि अयाल यानी कि चमकदार लंबे बाल. एंड MAIN, मेन यानी मुख्य. ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए तो आपकी गलती नहीं होगी जब आप राइटिंग स्किल डेवलप कर रहे हो. नेक्स्ट पढ़ेंगे MEAT, मीट यानी मांस. दे ऑब्जर्व द मीटलेस डे, उन्होंने मांसाहार दिवस मनाया. अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे MEET, मीट यानी मिलना. When we meet old friends, we feel very happy. जब हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो हम बहुत खुश महसूस करते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखिए फ्रेंड्स, MEAT, मीट, इसका मतलब है माउस, एंड MEET, मीट, इसका मतलब है मिलना. सो ये डिफरेंस आप एक बार जरूर ध्यान में लीजिएगा. नेक्स्ट पढ़ेंगे METE. अभी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, मीट ही आता है, लेकिन इसका जो अर्थ है, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज ठहराना यानी के रुकाना. द जज मेटेड आउट सेवर पेनल्टीज, यानी के न्यायाधीश ने गंभीर दंड का उल्लेख किया.
ओके तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं, सो ये इसमें कुछ अल्फाबेट्स का फर्क है। इससे कई वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन तो सेम आ जाते हैं, बट द मीनिंग ऑफ दैट ईच एंड एवरी वर्ड बिकम डिफरेंट, यानी कि उसका अर्थ बदल जाता है। उसके अनुसार हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े, तो आप ज़रूर ये नोट डाउन कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपका राइटिंग स्किल डेवलप होने में आपको बहुत ही हेल्प होगी। एंड दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल विथ राइटिंग राइटिंग स्किल ऑल्सो। सो देखिए फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आपका जो प्यार हमारे चैनल को कमेंट्स थ्रू मिलता है, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार वर्ड्स, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस भी पढ़ाएंगे एंड वर्ड्स के मीनिंग भी बताएंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।